लाइक हम बात करते हैं कि हर मास्टर जो जितने भी गुरु संत महात्मा आए हैं सभी अपने में पूरे थे और सभी ने सच को जाना था, तो हर किसी का अनुभव भी सत्य है। तो ऐसे ही एक ओशो ने एक अनुभव अपना शेयर किया था जिसमें बताया था कि एस्ट्रल ट्रैवल करने से उनकी एज 10 साल कम हो गई। सो चक्रास का हम बात करते हैं कि अगर चक्रास ओपन हो जाए तो कुछ चैलेंजेस फेस कर सकते हैं क्या, या हमारे साथ कोई पास्ट लाइफ अगर कुछ हम देख लें तो उसका भी कुछ चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है क्या, तो क्या एस्ट्रल ट्रैवल का भी कोई नेगेटिव हमारे पे इम्पैक्ट होता है क्या, क्या एज सच्ची में हमारी कम हो जाती है एस्ट्रल ट्रैवल से? जब आप सही तरीके के ध्यान करेंगे तो आपको कहीं भी नुकसान नहीं है। जैसे आनापानासति ध्यान जो पत्री जी ने जो बताया, इसका मैं 17 साल से देख रहा हूँ सभी साधकों को, किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा थाड़े के अनुभव से, एस्ट्रल ट्रैवल के अनुभव से। क्योंकि आनापानासति ध्यान क्या करती है कि जिस समय में आपको कौन सा चक्र जगाना है उस चक्र को जगाएगा। अपना श्वास को पता है किस समय में कौन सा बॉडी पार्ट को रिपेयर करना है। श्वास के साथ इंटेलिजेंस है, श्वास पूर्णात्मा के साथ जुड़े हैं, पूर्णात्मा को सब कुछ पता है कि ये शरीर में कौन सा चक्र आपको कहाँ एक्टिवेट करना है। तो आनापानासति ध्यान है, आपको फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में लेके जाएगा, सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में लेके जाएगा, आपको धीरे 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 लेके जाएंगे। लेकिन कुछ मेथड्स ऐसा है मेडिटेशन में, वो मेथड्स क्या करेगा कि आपको सीधा हायर चक्रास को एक्टिवेट करेंगे। उस तरह का मेथड से जो सहज नहीं है, उस तरह का मेथड्स में इस तरह का नुकसान होने के चांसेस है। जो भी हम सुने हैं बचपन से इस तरह का एस्ट्रल ट्रैवल को नुकसान हुआ है, हम देखने की वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि वो लोगों ने सहज तरीके से नहीं गया है, असहज तरीके से गया है। इसलिए हम सब लोग क्या करना चाहिए कि जल्दीबाजी नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको थाड़े ओपन होना है, तरह तरह टेक्निक फॉलो करेंगे, थाड़े ओपन होती है। अगर हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, उसमें 100 वाट रहेगा तो चलेगा, लेकिन उसमें 1000 वाट आएगा तो क्या होगा, वो फूट जाएगा। वैसा ही ये शरीर जितना शक्ति ले सकता उतना रहेगा तो अच्छा बात है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी आ गया तो क्या होगा, उसको सहने का शक्ति नहीं आएगा। उस समय हमारे चक्रास में इम्बैलेंस आना, तरह तरह शरीर में बीमारी आना होते हैं। लेकिन ये जो ध्यान का टेक्निक है आनापानासति है, इज अ परफेक्ट वन है, सहज है, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं 17 साल से लाखों मास्टर्स का अनुभव सुना हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।